हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं होस्ट और दोस्त आपका आलोक ठाकर। दोस्तों, आज हम वुमेन सेफ्टी टिप्स के बारे में बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास करेंगे। कैंडल लाइट जलाने से और कैंडल्स जलाने से कुछ होने वाला नहीं है अंटिल हमारे गर्ल्स को और हमारे लेडीज़ को और वुमन को असली एम्पावरमेंट तभी मिलेगी जब उनकी रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और उनकी वैल्यू रखी जाएगी। राइट, तो आज हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में और जो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं गर्ल्स और वुमन्स को, लेडीज़ को, स्पेशली व्हेन दे ट्रैवल और जब वो बाहर होती हैं घर के और वन घर के अंदर भी वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर स्प्रे के बारे में जो आप कैरी कर सकते हो, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। चिली पेपर स्प्रे आता है, सपोज इज द डेमो, कोई आप अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है आप ऑटो में बैठे हो या किसी कैब में बैठे हो और आप कहीं जा रहे हो, तो इमीडिएटली सम कुछ लोग आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा निकाल के उसको स्प्रे मार सकते हो ऐसे आंखों के अंदर, एंड यू कैन हिट विथ एनीथिंग ऑन देम। राइट, आप किसी भी चीज़ से उनको मार सकते हो, जैसे पत्थर हो गया है, आपके पास पर्स के अंदर कुछ चीज़ें हो, जैसे मैं आपको बात करता हूँ नील कटर। सो नील कटर मोस्टली लोग कैरी करते हैं अपने साथ, तो नील कटर में अलग टाइप के ब्लेड्स होते हैं, आप देख सकते हैं देयर लॉट ऑफ टाइप ऑफ ब्लेड्स हियर। राइट, सो यू कैन स्टैब देम अप। राइट, और सबसे ईजी अटैक क्या होता है, आप बॉडी पे मारेंगे तो वो शायद आपको रेजिस्ट कर जाए, जो भी बंदा है, इंटीजर है या जो भी आप अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जो वायलेंट हो रहा है, तो आप है ना उनके चेहरे पे मारने का ट्राई कीजिए, उनकी आँख या नाक, उनके चेहरे पे आप अटैक करेंगे या उनके गले पे आप अटैक करेंगे, तो उससे आप इमीडिएटली उससे पीछा छुड़ा सकते हो। राइट, इवन जब आप बैठे हो तो आप अपना दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रैंगल करने के लिए, बट उसमें रिस्क बहुत रहता है, बिकॉज हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, खुल जाए। लेकिन जब आप ये ब्लेड यूज़ कर सकते हैं यार, आप जैसे यहाँ पे स्टैब किया आपने, नाक में स्टैब किया, आँख में स्टैब किया, आपने सर पे किसी के स्टैब किया, तो आपके फुल चांसेस है कि आप वहाँ से आप भाग सकते हैं, एंड देन यू कैन रिपोर्ट द थिंग्स। और जो भी आप ऑटो में बैठे हैं, कैब में बैठे हैं, अपने कोई भी रिलेटिव या वेलविशर या आपके फैमिली मेम्बर को ज़रूर बताएं द गाड़ी नंबर और अपना लोकेशन भी भेजें, स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमन हु आर आउट, जो ज़्यादा बाहर रहती हैं एंड काम बहुत करती हैं। राइट, एंड वुमन हु आर एट होम, वो भी ये सब मेजर्स अपने पास रख सकती हैं जस्ट इन केस उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए। तो अनदर थिंग इज़ कि सीज़र, एक सीज़र, छोटी सीज़र भी बहुत लोग रखते हैं अपने पर्स में फॉर वॉट एवर यूज़, तो आप सीज़र से भी स्टैब कर सकते हो किसी को भी, लाइक ऐसे आप स्टैब कर सकते हो, छाती पर स्टैब कर सकते हो। अगेन मैंने आपको बताया फेस इज़ द एरिया वेर जब आप किसी को भी अटैक करेंगे तो वो भागेगा, राइट, बचाने के लिए। सो और मैं ये हमेशा बात करूँगा कि मेक द फर्स्ट मूव, आप किसी और के मूव की राह ना देखें, आपको लगता है खतरा है एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन, इमीडिएटली टेक ए कॉल, जो भी आपको सही लगे आप इमीडिएटली कॉल लीजिए गाड़ी से, गाड़ी आप स्टैब करके बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल जाइए, रेस्ट आप जो भी प्रोसेस है वो आप फॉलो कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करना, एनीथिंग दैट दिस थिंग्स हैपन विथ यू, एंड ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये छोटी टिप्स आपको दी हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप हमेशा सेल्फ डिफेंस और अपने आप को थोड़ा सा फिट रहने, मतलब पावरफुल बनाने की कोशिश करें मेंटली और फिजिकली, बिकॉज मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत पावरफुल बनाता है, किसी भी सिचुएशन के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाती है, आप पावरफुल रहते हो मेंटली भी, एंड यू कैन यू नो किक एस। तो मैं यही गर्ल्स को, लेडीज़ को, वुमेंस को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स यूज़ कीजिए और ये सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, एंड आई नो द बेस्ट थिंग इज़ कि अपने घर से ही वुमन का रिस्पेक्ट और गर्ल का रिस्पेक्ट, अपने सिस्टर का रिस्पेक्ट, अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट, अपने मदर का रिस्पेक्ट अपने घर से चालू होता है और वो इनहेरिटेंस होता है रूट्स से। तो अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ग्रेटर इंडिया एंड बेटर इंडिया। राइट, सो दिस इज आलोक ठाकर साइनिंग ऑफ, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। बीइंग ए मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, और होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट।